हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना बेसिकली मतलब ना बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं ला रहा था यार, सॉरी सबसे पहले तो, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कंडीशन ख़राब था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। और अब मतलब मैं रेगुलर रहूँगा, और मतलब आज से प्रैंक वीडियो स्टार्ट कर दिया है मैंने, मतलब कि डेली डेली मतलब एक दो दिन बीच करके वीडियो अब आता ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो आज हम प्रैंक करने वाले हैं स्टार्टिंग से ही, मतलब एक मेरी दोस्त है वो आ रही है, मतलब पूछ रही थी कि क्यों नहीं वीडियोज़ वगैरह बना रहे हो, तो वो आ रही है तो सोचे कि क्यों ना उसके साथ ही स्टार्ट किया जाए प्रैंक वीडियो बनाना। तो वो अभी कॉल की थी, पहुंच गई है गेट के पास, तो अभी अंदर आती है तो फिर मिलते हैं आप लोग से। एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा वीडियो में, मतलब कुछ ऐसा तड़ंग भड़ंग सा करने वाले हैं ना कि बहुत मज़ा आएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर जाइएगा आप लोग। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। हाथ में लाइए, कब हुआ? आप वीडियो बनाते हैं ना? काला है तो चाहिए, पहले बताइए। नहीं चाहिए। क्यों? ऐसे आपको अच्छा लगेगा? पर वीडियो बनाने से रिलेटेड है तो वीडियोस वगैरह नहीं बनाना है मेरे को। क्यों? ऐसे मतलब कुछ हो गया इसलिए। हम आपके लिए गॉगल्स लाए थे। नहीं चाहिए। इसको फेंक दे पानी में, रख लो, काम देगा तुमको। हम वीडियो कहाँ बनाते हैं? वीडियोज वगैरह नहीं बनाना था हमको, उतना दिन से नहीं बना रहे थे ना। क्यों नहीं बनाना आपको वीडियो? ऐसे नहीं बनाना है, उतना दिन से बना नहीं रहे थे, थोड़ा सिचुएशन ख़राब था, पता ही है तुमको। और तो सिचुएशन ख़राब था तो वीडियो छोड़ दीजिएगा। रांची ही छोड़ दे रहे हैं हम, तो वीडियो बनाना दूर की बात है, रांची में रहना ही नहीं है हमको, जाना आराम से गाँव में। क्यों? ऐसे ही बस वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो व्यूज आ ही नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम हुआ है जो रांची छोड़ने का बात कर रहे हैं? ऐसे मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ तभी थोड़ी छोड़े हैं, ऐसे भी अब यहाँ रह कर क्या कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे जो बन नहीं रहा है मेरा, और रांची में रह कर कोई फ़ायदा है नहीं। कैसे नहीं बन रहा वीडियो? कहाँ बन रहा है, शॉर्ट्स डालते हैं बस, प्रैंक चैनल और शॉर्ट्स डालते हैं, उसमें तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो वो भी बनाया कीजिए साथ में, दोनों चीज़ कीजिए। क्या मतलब रांची छोड़ के जा रही है, कोई मतलब थोड़ी ना हुआ, मेहनत कीजिएगा तब ना कुछ होगा। मेहनत तो करते ही हैं, फिर बाद में ऐसा भी तो हो जाता है कि वीडियो बनाने टाइम कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है। क्या प्रॉब्लम होता है बताइए, हम हेल्प कर सकते हैं तो करेंगे। क्या हेल्प करेंगे तुम बताओ, आप प्रॉब्लम तो बताइए। वीडियो बनाते तो डिलीट करना पड़ जाता है, तुम क्या करोगे उसमें, मतलब कैसे तुम हेल्प करोगे उसकी? तो जिससे बनाते हैं डिलीट करना पड़ता है ना, कुछ के ही बनाते हैं पर फिर भी वीडियो डिलीट करना पड़ता है, केस उस कर देती है। तो ऐसे में मम्मी बोलती है कि ऐसा काम मत करो जिससे तुमको प्रॉब्लम होगा, बार बार केस हो जाता है, वीडियो डिलीट करना पड़ता है, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो कहे रांची में रहना, छोड़ दो रांची आ जाओ घर। तो वो इसीलिए घर जाने वाले हैं, रांची में नहीं रहेंगे। मम्मी से बात करें एक बार हम? क्या मम्मी से बात करेगी, मम्मी पूरा बोल दी हमको कब रहना है नहीं। तो वो बात तो करवाइए, हम कन्विंस करके देखते हैं मम्मी को। मेरे से नहीं हुई तो तुमसे कहा होगी मम्मी कन्विंस? हो जाएंगी, बात करवाइएगा तो। नहीं मानेगी, पता है ना उनको, बात किए थे। ऐसे कैसे छोड़ सकते यार आप वीडियो, आपका एम है ना वीडियो बनाना। एम है पर उससे कुछ ट्रैफिक मिलेगा तब ना वीडियो बनाया, ऐसे क्यों बनाया बताओ। अच्छा कुछ तो हो नहीं रहा है, होगा तुरंत, आप हार मानिएगा तो कैसे होगा। अब रहना ही नहीं है यार हमको। अरे क्यों नहीं रहना, आप समझते ही नहीं है बात, कोई एक ही बार पहाड़ पे थोड़ी ना चढ़ जाता है, धीरे धीरे करके ना चढ़ता है, चाहे बच्चा भी पैदा होता है धीरे धीरे करके ना बड़ा होता है। बड़ा होता है वो सही है, लेकिन तो आप सोच रहे एक ही बार हम पूरा पहाड़ चढ़ जाते, ऐसा थोड़ी ना होगा, तो मेहनत तो करना होगा ना। खद्दू पीछे क्यों हट रहे, स्माइल कीजिए। मतलब सच में नहीं रहना है हमको, मजाक थोड़ी कर रहे हैं यार तुमसे, हम बस तुमको बता रहे थे हम कि सामने से ऐसे मिल के बता देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब फिर ऐसे जाएंगे फिर बिना बताए, तो तुम बोलेगी बिना बताया चलिए, मतलब ऐसा कुछ है मेरे फिर साथ। हम शॉर्ट्स किसके साथ बनाएंगे बताइए, आपके साथ ही ना बनाते हैं। तो अकेले बना लेना, क्या दिक्कत है? कैसे बोल सकते हैं आप अकेले बना लेना, आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? हम आपका साथ देंगे, वीडियो हम मतलब ये कर देंगे, क्या जो करना है आपको।
वीडियो डिलीट होता है, तुम डिलीट नहीं करवाना देगी क्या? ऐसा हो जाएगा? नहीं डिलीट नहीं, मतलब नहीं हमको रहना ही नहीं है। मम्मी हमको बोल दिया क्लियर यार कि तुम रांची छोड़ कर आ जाओ घर घर ऐसे। तो हम बात कर लेंगे यार, ऐसे मत कीजिए, मत छोड़। क्या बात करेगी मम्मी से? हम बात की, मम्मी नहीं मानी तो हम क्या करें बताओ? एक बार बात तो करवाइए। तो मेरे से नहीं मान रही है तो तुमसे क्या मानेगी बताओ? तो हो सके मान जाए। नहीं मानेगी ना मेरी मम्मी। हम समझाएंगे ना, हम भी समझाने का कोशिश किया, ऐसा थोड़ी हम नहीं समझाए। वो देखिए स्नेक कद्दू यार, ऐसे मत कीजिए। ऐसे करने का क्या बात है? जा रहे हैं, हमको आज ही जाना है। मत जाइए, भाग मत। तुमको बस बताना, स्माइल कीजिए। सच में जा रहे हैं? मजाक नहीं, सच में जा रहे हैं। चलिए लीजिए आपका गिफ्ट, रख लो। लीजिए ना, रख लेंगे पर वीडियो नहीं बनाएंगे। बनाइएगा, नहीं जाइएगा, नहीं जाइएगा, बनाएंगे ही नहीं। घर जाना है हमको, मजाक नहीं कर रहे तुमसे, सच में। तुम क्यों नहीं समझ रही है यार बात को? ऐसे कभी हुआ पांदर आज तक? कभी नहीं हुआ ऐसा? पर मम्मी तो बोल रही तब क्या? क्यों मतलब? अब मम्मी बोल रही है तो मम्मी का बात नहीं माने, ऐसे भी देख रहे हैं। तो मम्मी का कुछ बात नहीं क्यों रहा? मतलब मम्मी का बात मानिए, पर मम्मी को समझा तो सकते हैं ना? समझाए पर मम्मी बोली नहीं रहेगा रांची में, तो क्या ही फायदा है? मतलब ऐसे भी अगर मम्मी सैड रहेगी मेरे से, हम रांची में रहेंगे तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगेगा ना फिर? सैड नहीं रहेंगे, एक बार बात नहीं कर सकते हैं? बात की बहुत बार बात की, हमको बात करवा दीजिए, हम अच्छे से समझाएंगे कि ऐसे मत कीजिए। आप तो जानते हैं कि इनका वीडियो ही एम है, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप क्यों बुला रहे हैं इनको? मम्मी बोले कुछ हो नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा रख के वहाँ टाइम पास करना? तो कुछ भी चीज़ जल्दी नहीं मिलता है समझे, उसके लिए करना पड़ता है मेहनत। नहीं हो गया पूरा डिसीजन फाइनल है कि अब हमको जाना ही है समझी, इसीलिए अब हम चलते हैं। बस तुमको बताना था इसीलिए हम तुमको बुलाए थे समझी। इसलिए बताना था हमको कि अब हम रांची छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा नहीं कर रहे बट आप खुद ऐसे नहीं करना चाहिए। अचानक से मेरे से ना पूछे भी नहीं, एक बार दोस्त के नाते पूछते ना कि जा रहे हैं हम रांची छोड़ के या फिर कुछ भी। दोस्त के नाते ही तो तुमको बुला के बता रहा, ऐसा थोड़ी है तो... बुला के मतलब आप पूरा एकदम श्योर हो गए कि आपको रांची छोड़ना, तब ना बताए मेरे को। तो पहले क्यों बताते हैं? मतलब क्या हम बता के क्या ही मिलता बताओ? ऐसे भी नहीं जाइएगा बंदर, ये लास्ट डिसीजन है, हम सच में जा रहे हैं घर, मजाक नहीं कर रहे हैं। पक्का मम्मी बोली है हमको, इसलिए जाना पड़ेगा हमको। ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार खतू, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, तो आप ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हैं? और सॉरी हम आपको मारने नहीं चाहते। नहीं ठीक है, लेकिन अब हम रहना नहीं रहे। क्यों गुस्सा दिला रहे यार? हम लोग साथ में वीडियो बनाते थे और अचानक से ऐसे बोलेगा तो कैसे होगा? हम बोल रहे ना दीजिए, हम आंटी जी से बात करके पूछ लेते हैं, बोल लेते हैं, समझा लेते हैं। क्या बोलेगी मम्मी को? कुछ भी बात कर लेंगे, समझा लेंगे। नहीं मेरे से नहीं समझी तो तुमसे क्या समझेगी? खाक जा रहे हैं हमको लास्ट, काहे दिमाग खराब कर? दिमाग खराब का बात ही नहीं है यार, जा रहे हैं अब हम तो, सच में हमको जाना। मत ना जाइए यार खड्डू, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? अब तो कर दिए, अब करना क्या है, सच में जाना है यार। डर है तुझे मैं खो ना दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं, मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। जो मेरे पास है मुझको ना कोई। ओए कैसा लग रहा है? क्या कैसा लग रहा है? आप जा रहे हैं? चल जाएं। अब डिसीजन कर ही लिए अकेले, तो अब हम क्या बोल सकते? नहीं तुम बोलेगी तो पक्का चल जाएंगे, तुम बोलेगी तो पक्का चल जाएंगे, चल जाएं। बोलो पक्का नहीं चाहते? वीडियो बनाते इतना चाहते, हम आपका हेल्प करेंगे ना, ऐसे क्यों जा रहे हैं? हम साथ देंगे, पक्का हेल्प करेगी ना? पक्का, प्रॉमिस करेगी ना हेल्प? हाँ। उधर रिकॉर्ड भी हो रहा है, प्रॉमिस की है करेगी हेल्प समझी। ये प्रैंक वीडियो बना रहे थे तुम्हारे साथ, हम प्रैंक कर रहे थे, उधर कैमरा लगा हुआ घर से यहाँ छोड़ के नहीं जा रहे, अब प्रॉमिस की है तुम हेल्प करेगी। अगर वीडियो नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा आप लोग कि ये हेल्प नहीं कर रही है हमको, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा। अगर ये हेल्प करेगी तो रेगुलर वीडियो आएगा एकदम, मतलब क्या है तीन बार एक टाइम को बोला भी प्रैंक कर दिया मेरे पे। तो जरूरी है ना, तुमसे ही स्टार्ट कर रहे थे हम। बहुत गंदा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा।
और कैसा लगा इसका रिएक्शन? सही में नहीं जाए कि चल जाए? नहीं वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट अगर अच्छा लगा आप लोग का। दोनों का इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग चाहें तो अगर रील वील देखना पसंद है आप लोग को तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं हम लोग को। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो। हम भी इन पे प्रैंक करेंगे, देखें आप लोग कितना डेंजर प्रैंक किए यार, मेरे को जरा सा भी हो तो इतना भी पता नहीं चला, ऐसा भी कोई करता है खद्दू मोटे ने तो बांदर ने तो हम करते हैं ऐसा, समझी? हम करते हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।